सवाल। किसी चुनाव में एक व्यक्ति को 40% वोट मिला, भैया चुनाव दो व्यक्ति के बीच में है और वो 100 वोट से हार गया। एक व्यक्ति को 40% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? सीधी सी बात है, 100 है तो 40 एक को मिलेगा तो दूसरे को 60 मिलेगा। तो 60 और 40 का अंतर कितना होता है यार? बड़ा आसान है, 20% होता है। अब 20% बराबर 100, तो 100% बराबर क्या होगा ना धन तोड़ी का? 20 को 5 से गुना करेंगे 100 होगा, तो इधर 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 होगा। तो मतलब है 500 का वोट था, 500 का वोट था, बस इतना ही तो पूछा हुआ है, मामला खत्म है। फिर से सुनते हैं एक बार, दो बंदे के बीच में वोट हो रहा है, एक को 40% मिला तो सिंपल सी बात है यार, दूसरे को मिलेगा 60%। और दोनों का अंतर कितना होगा? 60 से 40 घटाएंगे तो जमाना बोलेगा 20 है, हम भी बोलेंगे 20 है। तो 20% बराबर 100 वोट से हार गया, तो 100% बराबर 20 को 5 गुना करते हैं तो 100 होता है, तो 100 को भी 5 गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। मतलब वोट जो गिरा था 500 वोट गिरा था। है बहुत आसान। और दूसरी बात है, समझने की कोशिश ना करें, जानने की कोशिश करें। आगे चल के देखेंगे जानने के क्रम में कैसे चीजें हम समझ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।